News 18, India. बैरिकेड तोड़ना, दिल्ली जाना अन्न का सवाल नहीं है। हाँ, लेकिन दिल्ली मोर्चा लगाएंगे अभी ये फैसले पर हम कायम हैं। और हम इसलिए रुके हैं कि वार्ता से कोई ना कोई हल निकल जाए। मांगे मनाना अन्न का सवाल तो बना सकते हैं, भाई हमारी मांग है, पिछले 75 सालों से किसी सरकार ने नहीं मानी है, उसको मान लीजिए। और कल वार्ता में MSP गारंटी कानून पर बड़ी जबरदस्त बहस हुई है, ठीक है, और C2+50 के ऊपर जबरदस्त बहस हुई है, और किसान मजदूर का कर्जा और अन्य मांगे जैसे विश्व पार संस्था से खेती को बाहर करना चाहिए, लैंड एक्विजिशन एक्ट के ऊपर बहुत सी वार्ता हुई है। तो कल सुखद माहौल में वार्ता हुई है, सरकार ने प्रस्ताव दिया कि हम आपसे वार्ता जारी रखना चाहते हैं। हम पूरी देश दुनिया को ये मैसेज देना चाहते हैं कि ठीक है, अब केंद्र भाग जाए, उनकी मर्जी है, जो कुछ मीटिंग में मंत्री महोदय हमें कहते हैं, अगर उसको कोई प्रैक्टिकल में किस तरह से किसान से बात को लागू कर दें तो अच्छा हो जाएगा, फिर तो हम कहेंगे निर्णय। अगर मीटिंग में आप भरोसा देंगे, अकेले भरोसे पे सब कुछ हो जाए यह संभव नहीं है, उसको किस तरह से कानूनी जामा पहनाएं, किस तरह से हकीकत में किसान खेत मजदूर की मांग मान ली जाए, वो प्रक्रिया में है सारा कार्य। तो हम देश को बना भी हम बातचीत से भागने वाले नहीं हैं। हमारा अंतिम निर्णय होगा कि हम आगे बढ़ेंगे, जब हमारे पास और कोई चारा नहीं होगा, हमारी मजबूरी होगी कि भाई वार्ता भी देख ली, सरकार को समय भी दे दिया, सरकार से सुना कहा सुनी भी हो गई, पर हुई नहीं। और दूसरा, जैसे आप कल थे इस समय परसों, जब हमने किसानों को जिस तरह से एक तरफा ड्रोन ने बमबारी किया, हमने उसको रखा, देखिए कुछ छुटपुट इधर से भी हो सकता है, लेकिन हमारे सारे किसान लोग 2.5 घंटे तक, मुझे पता है भी कोई एक तरफ से बमबारी हुई है। तो हमें भड़काएं ना, हमें उस्काएं ना, इस तरह का कार्य मत करें। और हम पूरी देश दुनिया के जितने बुद्धिजीवी हैं, जितने हमारे सभी सहयोगी भाई हैं, उनका सहयोग मांग रहे हैं, और सहयोग बड़े पैमाने पर हमें मिल भी रहा है, और लोग बढ़ चढ़कर, आप देखेंगे ये मोर्चा रोज के रोज बढ़ता जा रहा। तो ये लाखों लोग, चाहे शंभू बॉर्डर हो, चाहे खनौरी बॉर्डर हो, वहाँ पर इकट्ठे, और अन्य बॉर्डरों पर भी, आपको बताकर हम कहेंगे भी 3 धरने हरियाणा के अंदर शुरू हो चुके हैं और लगातार बढ़ रहे हैं, जिसकी खबर, क्योंकि इंटरनेट बंद है तो इसलिए खबर नहीं आती आपको, तो लग चुके। और गाजीपुर के किसान, और गाजीपुर में भी किसान दिल्ली की ओर बढ़ते हैं। हम चाहेंगे बगैर योजना के कार्य कुछ ऐसा ना करें, योजना बंद तरीके से लीडरशिप की अगुवाई में आप आगे बढ़ें, इस तरह का कुछ ना करें जिससे सरकार को कुछ कहने का, हमें बदनाम करने का मौका मिले। लेकिन जो लोग प्रयास कर रहे हैं वो सराहनीय है, अच्छा है कि लोग निकल रहे हैं, और पूरे देश भर में आंदोलन बढ़ रहा है, इसीलिए सरकार हमारे खिलाफ प्रचार प्रोपोगंडा कर रही है, जिससे हमारे, हमको एंटी नेशनल कहा जा रहा है, हमको खालिस्तान के साथ जोड़ा जा रहा, हमें बोला जा रहा है इसको कांग्रेस उसका रही है, हमें बोला जा रहा है इसको आम आदमी पार्टी पंजाब में बैठाए हुए। पहले निर्णय तो लीजिए, कौन हमें क्या कर रहा, आपके अलग अलग वर्षन, उनको लग रहा भी पूरे देश का किसान मजदूर उठ खड़ा हो रहा है। अगर सारे देश के किसान उठ खड़े हुए तो मोदी जी को लगता है कि मांगे माननी पड़ेंगी। तो हमने कहा, आज भी बोलते हैं, हमारे दोनों फोरमों की ओर से ये पक्की बात है कि हमारी स्टेज पर कोई भी पॉलिटिकल पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ने वाली किसी पार्टी को बोलने नहीं देंगे। हम ना किसी का समर्थन करेंगे, ना कोई इस तरह की बात, हम किसान मजदूर की बात लगातार करते हैं और करते रहेंगे।